आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। नमस्कार, मैं नितिन ठाकुर हूं। ये पॉडकास्ट है। एविएशन सेक्टर से अच्छी खबरें आती नहीं हैं, लेकिन हाल ही में दो एयरलाइंस से जुड़ी खबरें आई हैं। एक तो जेट एयरवेज है और दूसरी एयर इंडिया। जेट इस वक्त जमीन पर है और 17 महीने के बाद इस कंपनी को कर्ज देने वालों ने एक रेजोल्यूशन प्लान को हरी झंडी दे दी है। अमेरिकन कंपनी कैलरॉक कैपिटल और यूएई के बिजनेसमैन मुरारी लाल जालान ने प्लान पेश किया है। फिलहाल जेट के पास 120 विमानों से घटकर करीब 16 विमान ही बचे हैं। उसका घाटा 5,535 करोड़ तक जा पहुंचा था, अब थोड़ा ज्यादा हो गया होगा। ऐसे में कहा जा रहा है कि नए मालिक कंपनी को जिंदा कर सकते हैं। दूसरी तरफ एयर इंडिया है, जिसे बेचने के लिए सरकार ग्राहक खोज रही है। पांचवीं बार इसकी बोली की तारीख आगे बढ़ी है, जो 15 दिसंबर है। पहले ही शानदार ऑफर्स दिए जा रहे थे, मगर अब नियमों को और भी आसान किया गया है। दोनों खबरों के बाद एविएशन सेक्टर में क्या हलचल है, इन खबरों के मायने क्या हैं, हमने इस पर बात की मनु कौशिक से। मनु बिजनेस टुडे में सीनियर एडिटर हैं और एविएशन सेक्टर के एक्सपर्ट हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद इस बातचीत की शुरुआत करते हैं। आज तक रेडियो अब सुनिए आज तक की मोबाइल एप्लीकेशन पर भी। प्ले स्टोर से आज तक की मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। ऐप में आपको सबसे ऊपर राइट साइड में तीन आइकन दिखेंगे, उनमें से एक जो सबसे बीच में है वो है आज तक रेडियो का आइकन, तो उसे उंगली से जरा सा छू दीजिए और खुल जाएगा हमारा पिटारा, जिसमें क्या है, न्यूज तो हर जगह है पर हमारे यहाँ न्यूज है सही कॉन्टेक्स्ट के साथ। खबर तो आ गई पर खबर से आगे की बात क्या है, उसका एनालिसिस आपको हमारे यहाँ मिलेगा। और इस ठिकाने पर सिर्फ खबरें ही नहीं हैं, ज्ञान की बातें हैं, मज़ेदार किस्से हैं, बतकही है और भी बहुत कुछ है, जिसका स्वाद लेने के लिए इस गली के चक्कर लगाते रहें। आज तक रेडियो कहते हैं इसे, सुनता है सारा जहां। मनु जी, ये जो एविएशन से जुड़ी दो बड़ी खबरें आजकल में आई हैं, मैं चाह रहा था उस पर थोड़ी बात हो जाए। तो पहली खबर तो जो है वो जेट एयरवेज से आई है हमारे पास, और ये जो बैंकरप्ट एयरलाइंस है, उम्मीद ये जताई जा रही है कि एक जो प्लान आया है रिवाइवल प्लान, वो अगर अप्रूव हो जाएगा तो एक बार फिर से जो जेट एयरवेज है आसमान में उड़ान भरेगी। तो आप तो एविएशन सेक्टर को बहुत गौर से कवर करते ही हैं और देखते रहते हैं खबरों को, तो आज आपकी शायद बात भी होने वाली थी जेट एयरवेज में, तो क्या है? उनके जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है उनसे मेरी बातचीत हो सकती है अभी कभी आज। जी जी, तो अभी फिर अभी लेकिन आपको क्या दिख रहा है, खबर तो आप देख ही रहे होंगे। खबर ये है कि मेरा मतलब देखिए, अगर आप इसको मोटा मोटा समझेंगे तो जो नया बायर है उस ये खबर बहुत मतलब काफी समय से चल रही है कि जेट को कोई मतलब हर बार एक नया बिडर आता था और एक नई कहानी पकती थी कि अब की बार तो सौदा हो ही जाएगा, अब की बार तो सौदा हो ही जाएगा। इंडोजैज का भी नाम आया था पीछे, बहुत स्ट्रांग नाम चला था इंडोजैज का, बाहर की यूके के कुछ बिडर्स थे उनका भी नाम चला था, बहुत टाइम से चल रहा था। फाइनली एक कंसोर्टियम है, हालांकि ज्यादा नाम नहीं सुना है, कैलरॉक करके और एक मुरली लाल जलान करके बंदे हैं, ये मिडिल ईस्ट बेस्ड हैं। अच्छा, इनका कंसोर्टियम मिलके इन्होंने बिड किया है, तो इन्होंने अपना प्लान सबमिट किया। जो क्रेडिटी कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स जो है, जो इनके लेंडर जो है जेट एयरवेज के, उन्होंने इस प्लान को अप्रूव कर दिया है। 90% हेयर कट के साथ ये प्लान अप्रूव हुआ है। ये 90% हेयर कट क्या होता है? हाँ, वो मैं समझा रहा हूँ। जैसे कि आपका 100 रुपए का कर्ज दिया हुआ था, तो 90 रुपए का कर्ज उनको खोना पड़ेगा, सिर्फ 10 रुपए ही वापस मिलेंगे, ऐसा समझ लीजिए। अच्छा। तो जो कर्जदार थे उनके लिए तो मतलब ये वो वाली हालत हो गई कि कुछ तो आ रहा है चलो आने दो, तो कुछ नहीं से अच्छा कुछ तो आ रहा है, वो वाली बात हो गई है जी जेट एयरवेज के साथ। अब देखिए, जो नया बंदा आ रहा है उसके लिए मैं तो उसके ही बारे में मतलब मैं उसके पर्सपेक्टिव से सोच रहा हूँ, मतलब जो दिन से खबर चल रही है मैं उसके पर्सपेक्टिव से सोच रहा हूँ कि वो क्यों खरीदना चाहे, उसको क्या इसमें वैल्यू दिख रही है कि वो उसमें आना चाहता है। देखिए, एविएशन एक हिस्टोरिकली बड़ा ही रुथलेस सेक्टर है। रुथलेस इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कंपनी जो है आती है और बर्बाद हो जाती है। बड़े बड़े एग्जाम्पल हैं, जेट एयरवेज इतना बड़ा एग्जाम्पल है, डेकन एयरवेज मतलब बिक गया था, हालांकि बाद में उन्होंने दोबारा जो स्टार्ट करी वो सक्सेसफुल नहीं रही। बहुत छोटी एयरलाइन स्टार्ट हुई है, मतलब हिस्ट्री उठाइए, और ये तबाही का सेक्टर है। मतलब मोदी लुफ्ट सब स्पाइस जेट बना, स्पाइस जेट से लुट पिट के फिर अजय सिंह ने उठा लिया, फिर उन्होंने जैसे तैसे लेके अपना रिवाइव किया।
तो एयरलाइन सेक्टर बड़ा ही एक मतलब कंट्रोवर्शियल सेक्टर है, यहाँ पे एयरलाइंस का सूट नहीं करता है कंपनियों को। कंपनियां बहुत अच्छा काम करती हैं और जैसे ही एयरलाइंस में पैसा डालती तो अच्छे अच्छे मॉडल ध्वस्त होते हैं, हमने देखे हैं, चाहे वो किंगफिशर का मॉडल हो और चाहे अब जेट एयरवेज का मॉडल हो, और एयर इंडिया की बात अभी थोड़ी देर में करेंगे, वो एक अलग ही कहानी है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। जेट एयरवेज जो है अभी इसमें नया बायर जो क्या देख रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं देखना चाह रहा हूँ कि उसके लिए क्या इसमें वैल्यू दिख रही है, उसको क्या ऐसा दिख रहा है जो हमें नहीं दिख रहा है। तो मोटा मोटा अगर देखा जाए तो एयरलाइंस के पास तीन चार चीजें होती हैं जो उसकी एसेट कहलाती हैं। उसका स्टाफ बहुत बड़ी एसेट होती है, ट्रेन मैन पावर बहुत जरूरी होता है एयरलाइन के लिए, जो कि हमेशा स्केसिटी में रहता है क्योंकि पायलट जो है उनकी हमेशा डिमांड रहती है मार्केट में, शॉर्टेज रहती है मार्केट में, और जो ट्रेन स्टाफ होता है उसकी भी हमेशा शॉर्टेज रहती है। तो एयरलाइन में देखा जाए तो अगर आप देखेंगे तो लोग इतनी जल्दी एयरलाइन से एम्प्लॉयज को निकालते नहीं है, तो वो ऐसा करते हैं कि सैलरी नहीं देते लेकिन निकालते नहीं है, क्योंकि तो इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि दूसरा रिप्लेसमेंट मिलना बड़ा मुश्किल होता है। इसके पास तो मेरा ख्याल है 9000 एम्प्लॉयज थे, इसके पास तो हाँ 9000 से भी शायद 9-10 हजार के आसपास एम्प्लॉयज थे। उनमें से कितने प्रोटेस्ट करते रहे और कितनों ने सुसाइड कर लिया बाद में? देखिए कहानी चली थी, एक किसी ने सुसाइड किया था, और कोई मतलब अगर आपने फॉलोअप किया होगा तो किंगफिशर में भी यही सेम स्टोरी प्ले आउट हुई जो जो जेट एयरवेज मूवी, तो मेरे को मतलब ऐसा लग रहा था कि मतलब वही कहानी दोबारा निकल के आई है, दोबारा चल रही है उसमें, हालांकि इतना बाद में सेल वेल का इतना नहीं चला था। नहीं मैं तो एक आम यात्री की तरह पूछ रहा हूँ कि क्या फिर जेट एयरवेज में बैठ पाऊंगा मैं कभी? देखिए बड़ा कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण है कि जेट एयरवेज के पास जो है एसेट्स के नाम पे ले दे के मेरे ख्याल से सिर्फ 6 प्लेन हैं, जो कि जिनके ऊपर भी जो भी ऑलरेडी जिन पे कर्ज है, मतलब उनकी पूरी इंस्टॉलमेंट पे नहीं की गई है, लेकिन यह है कि जेट एयरवेज का उसके ऊपर मालिकाना हक है क्योंकि उन्होंने पैसा पे कर रखा है उसका। तो देखा जाए तो प्लेन है उनके पास, स्टाफ गया, सबसे बड़ा एसेट गया, और मैं तीसरी आपको एसेट बता रहा था स्लॉट, जो मतलब एयरपोर्ट्स पे स्लॉट मिलते हैं वो ही आपकी एयरलाइन का सक्सेस और फेलियर डिफाइन करते हैं। स्लॉट मतलब बेसिकली ये कि भाई कितने बजे से कितने बजे के बीच में आपका जहाज जो है उड़ेगा। हाँ मतलब कब आपको जैसे दिल्ली बॉम्बे में, मतलब ये इतना बड़ा साइंटिफिक इसके पीछे रिसर्च होती है, एयरलाइन करती है कि हमको किस टाइम पे कब जहाज कहाँ से उड़ाना है कि हमारा पूरा जहाज जो है फ्लाई करे जब तो पूरी सीट भरी हो, भर कर इसके पीछे। हाँ तो वो एक बहुत बड़ी साइंस है, मतलब बहुत टेक्नोलॉजी यूज की जाती है कि ये मतलब, और उसमें फेयर भी उसी हिसाब से फिर चार्ज किए जाते हैं, मतलब वो भी एक अलग चीज है। हाँ मतलब बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि भाई फ्राइडे को भरकर चलते हैं, सैटरडे संडे में लोग ट्रैवल करते हैं शहर से शहर, मंडे सुबह लोग वापस अपने शहरों की तरफ आते हैं, कोई ऑफिस ज्वाइन करना चाहता है, तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि वो जैसे टीवी में होता है प्राइम टाइम, ऐसे जहाजों का भी अपना प्राइम टाइम। बिल्कुल, तो वो स्लॉट जो है अभी सरकार ने इनसे ले लिए थे पिछले साल जब अप्रैल में एयरलाइन बंद हुई थी, तो टेम्परेरी बोला गया था शुरू में कि टेम्परेरी ले रहे हैं, बाद में दे देंगे जब आपकी एयरलाइन उठेगी। बातें भी मतलब इस बात को हो गए 1.5 साल से ऊपर हो गया, तो अब क्या सरकार कोई मतलब इतना लंबा वादा तो करके नहीं बैठी थी कि वापस कर देंगे, तो ये बहुत ही बड़ी जद्दोजहद रहेगी नई बायर के लिए कि वो ये स्लॉट्स ले पाए, और नई स्लॉट्स ले पाया तो भैया आपका बड़ा मुश्किल है एयरलाइन को दोबारा फिना मतलब प्रॉफिटेबल बनाना, इवन स्काई में मतलब ठीक है शायद हो सकता है कि जहाज उड़ने लग जाए, लेकिन वो कितने टाइम तक उड़ेंगे ये नहीं पता, क्योंकि वो मैंने आपको बताया ना कि 2-3 जो बड़ी बड़ी एसेट्स होती हैं वो इसकी एयरलाइन की सब जा चुकी हैं, तो वो लेगेसी जो था एयरलाइन का वो खत्म हो गया है। ब्रांडिंग भी कोई इतनी खास नहीं रहेगी क्योंकि जेट एयरवेज का जो ब्रांड था वो एक पूरा होलिस्टिक पैकेज था, मतलब पूरी एयरलाइन थी, पूरा एक उसका स्टाफ था, उसकी पेडिग्री थी, वो सब खत्म हो चुकी है। तो अब मुझे नहीं पता कि लोग जेट एयरवेज में जाना पसंद करेंगे सिर्फ ब्रांड नेम को लेके, क्योंकि बाकी जो सर्विसेज जो थी उसकी वो सब तितर बितर हो चुकी हैं, तो अब वो ब्रांड नेम ले लेके यही बचा है कि जेट एयरवेज शुरू होने वाला है, लोग उस पर भरोसा करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि शुरू में जब भी आप देखेंगे हिस्टोरिकली कोई भी नई एयरलाइन शुरू होती है तो उसकी कैंसिलेशन रेट बहुत ज्यादा आई होते हैं, क्योंकि उसको शुरू में बहुत टाइम लगता है फिगर आउट करने में कि कहाँ पे किस तरह क्या जहाज कहाँ उड़ाना है, कैसे उड़ाना है, फ्यूल ये अंटेशेंट मतलब रोस्टर पायलट रोस्टर, बहुत सारे इसमें टेक्निकल इशू होते हैं, तो शुरू में एयरलाइंस जो है वो बहुत
भर भर के उनकी कैंसिलेशन होती है, तो वो जब कैंसिलेशन आपकी ज्यादा होंगी तो एयर कस्टमर का ट्रस्ट होता रहेगा आपके ऊपर, कस्टमर का ट्रस्ट होता रहेगा तो उसके बाद बहुत विकल्प है आज की तारीख में। इंडिगो सस्ते जहाज सस्ते टिकट के जहाज उड़ा रहा है, तो वाई वुड आई गो फॉर जेट एयरवेज, मतलब मेरा ऐसा कौन सा लगा रहा है जेट एयरवेज से जो मैं इंडिगो छोड़ के स्पाइस छोड़ के उसमें जाऊंगा। तो फिर ठीक है, जेट एयरवेज की बात तो हो ही गई, एक और है एयर इंडिया जिसके बारे में छन छन कर खबर आती रहती है और आज भी अखबारों में कई जगह एक खबर थी, तो वो खबर क्या है और एविएशन सेक्टर में इस खबर के बाद क्या कुछ कहीं थोड़ी बहुत हलचल दिखती है? खबर जो है वो थोड़ी पुरानी है लेकिन उसमें एक नया ट्विस्ट आ गया है। खबर ये थी कि एविएशन सेक्रेटरी ने बोला है कि हम जो नए बायर हैं एयर इंडिया का, क्योंकि ये अभी सेल प्रोसेस चल रहा है इनका तब से जनवरी से, एयर इंडिया का मतलब क्या कहें, मतलब टाइम इतना खराब चल रहा है कि ये जब भी इन्होंने जब पिछले साल जब इन्होंने अपना किया था सेल प्रोसेस चालू तो कोई बायर नहीं आया, इस बार लग रहा था कि कोई बायर आएगा क्योंकि डील इन्होंने इतनी अच्छी दी थी, तो ये कोरोना आ गया तो इनका जो है वो टाइम अच्छा नहीं चल रहा है ऐसे बोल सकते हैं। खैर बहरहाल आज जो खबर आई है वो ये है कि इन्होंने बोला है कि जो नया बायर है उसको हम बोलेंगे कि जितना डेट तुम ले सकते हो वो आप तुम ले लो, मतलब जितना एयर इंडिया का उधार है टोटल उसमें जितना भर सकते हो बस उतना भर दो। हाँ मतलब वही वाली बात है कि मतलब जितना आ रहा आने दो, तो जेट एयरवेज के मामले में था बाकी मालिक आप हो जाओ। हाँ मतलब हमारे सर से भला टले वो वाली बात हो गई अब तो ये लिटरली, क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास रहेगा तो ये हमारा पैसा खाता रहेगा, टैक्स पेयर मनी खाता रहेगा, क्यों? क्योंकि ये एयरलाइन जो है वो प्रॉफिटेबल नहीं है, पिछले 13 सालों से एयरलाइन जो है प्रॉफिटेबल नहीं है, 13 सालों से सरकार इसमें पैसा पानी की तरह बहा रही है और बहाती भी रहेगी आगे आके, ऐसा नहीं है कि ये एयरलाइन जो है अपने आप ही पैसा कमाने लग जाएगी। अब तो ये कह रहे थे ना कि मतलब ये 15 दिसंबर तक बोली आगे बढ़ाई जा चुकी है और इन बोलियों में कुछ लोग भी थे जैसे टाटा के लिए कहा जा रहा था कि वो खरीद ही लेगा, ये देर क्या है फिर 15 दिसंबर तक क्यों बढ़ाया जा रहा है, अभी करके खत्म क्यों नहीं हो रहा है? नहीं बायर भी तो होना चाहिए ना, मतलब नाम तो हम काफी वही वाली बात है कि नाम तो बहुत सुनने में आ रहे हैं बहुत टाइम से, सीरियस लेकिन बायर नहीं होगा तभी तो ये, मतलब ये तो आपको इम्प्लाइड है ये आपका एनालिसिस कि अगर बायर नहीं है तभी तारीख बढ़ाई जा रही है ना, अगर बायर होता तो तारीख नहीं बढ़ाई जाती, मतलब खरीदार नहीं है, माल मेरा रखा हुआ है तो मैं कह रहा हूँ कि भाई अभी भी है जी स्टॉक में ले लो। हाँ अब तो मतलब और भी बढ़िया कर दिया ना कि जितना वो करती है भाई, पिछले साल इसका कर्ज जो था 61,000 करोड़ रुपए था, तब से जो है फिगर जो है बढ़ती ही जा रही है क्योंकि एयरलाइन प्रॉफिटेबल तब से ही नहीं है, अब तो और भी एयरलाइन लॉसेस बढ़ गए होंगे इस साल जो फिगर आएंगी, तो कर्ज बढ़ता जा रहा है और कमाई कुछ ज्यादा बढ़ नहीं रही है। इसको तो बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स थे ना मनु जी कि एयर इंडिया ले लो तो फिर तो ये भी ले लो उसके साथ, ये भी ले लो उसके साथ, ये भी ले लो, हमारी पिछली बार पॉडकास्ट में बात हुई थी, इतनी अच्छी डील इतने अच्छे ऑफर्स के बावजूद बायर्स ना मिलना, तो फिर मैंने आपको बताया ना टाइम जो था वो खराब था, इस बार तो ये बिकने के पूरे आसार थे एयरलाइन के, जनवरी में इसकी बिडिंग शुरू हुई थी। सर ये पांचवी बार है जब आगे बढ़ाई जा रही है बोली? हाँ पांचवी छठी बार में भी वही पढ़ रहा था कि मतलब ये तो एक तरीके से मतलब आप ये अगर बिक भी जाए तो भी बहुत बड़ी बात होगी आज की तारीख में, क्योंकि इसके लिए बायर जो है वो कोई बड़ा कंपनी ही जो है वो इसको अपने फोल्ड में ले सकती है, जैसे कि टाटा ग्रुप हो गया, रिलायंस हो गया, क्योंकि इसका स्केल इतना बड़ा है कि कोई छोटी कंपनी इसको खा ही नहीं सकती, खरीद भी नहीं सकती। हाँ मतलब इसकी स्थिति तो जेट एयरवेज से भी खराब है, मतलब क्या ये कोड़ियों के भाव बिक जाए तब भी नहीं ले पाएंगे क्योंकि इसके पास जहाज ही इतने हैं और इतने इसका बड़ा स्टाफ है, तो सरकारी कंपनी है तो आपको स्टाफ भी नहीं निकाल सकते ना, तो वो आपको पूरा एक बर्डन आपका पैकेज बन के आएगा पूरा, तो ये बड़ी कंपनी जो है वही इसको डाइजेस्ट कर सकती है, छोटी कंपनी इसको ले नहीं सकती। तो सर बेसिकली दो खबर आई एविएशन सेक्टर में और दोनों को लेकर आप जो है मुझे बहुत बुलिश नहीं लग रहे, वो दोनों में आप ये कह रहे हैं कि झोल है, एक तो ये है कि खरीद तो लेगा लेकिन खरीद क्यों रहा ये नहीं पता है, दूसरे में तो खरीदार का ही मालूम नहीं चल रहा है कि कोई आ ही नहीं रहा, दूसरा खरीदार का मालूम नहीं चल रहा, उन्होंने बोल दिया कि मतलब कर्ज जितना आपको लेना उतना ले लो, मतलब ये तो मेरे को लगता है लास्ट स्टेप होगा, इसके बाद एक स्टेप बचता है कि भैया हम कर्ज के बगैर फ्री में दे देते हैं तुम ले जाओ जिसको लेके जाना, अब तो इसके बाद वही बचता है और तो कुछ इसके बाद दिख नहीं रहा। ऊपर से जो पेंडेमिक था उसने तो और कमर तोड़ के रख दी, पेंडेमिक ने तो इसका रेवेन्यू कम कर दिया और कर्ज बढ़ा दिया, सिचुएशन और बिगड़ गई, तो नया बायर जो है वो क्या देखेगा? देखो हमेशा जो है मैं नए बायर के
पर्सपेक्टिव से सोचता हूँ, वो खरीद रहा है तो क्यों खरीदेगा, उसको क्या वैल्यू दिखेगी। अभी एयर इंडिया में वैल्यू क्या है मुझे बताइए, एयर इंडिया की वैल्यू एसेट्स बहुत अच्छी है, स्टाफ अच्छा है, जहाज अच्छे हैं, इसके बाद इसके स्लॉट अच्छे हैं और इंटरनेशनल स्लॉट भी है और मार्केट शेयर भी अच्छा है इंटरनेशनल, बिल्कुल बिल्कुल सब कुछ है इसके बाद, लेकिन जो कर्ज है ना वो इतना बड़ा है कि ये सब चीजें पीछे पड़ जाती है। बिल्कुल कर्ज बहुत बड़ा है और जाहिर है इतने लंबे लॉकडाउन के बाद अच्छी अच्छी कंपनियां अगर एक दो को छोड़ दें तो उनकी जो उनका जो खाता है, उनका जो कोष है वो भी कम हुआ है, बैलेंस शीट बहुत अच्छी नहीं रह गई है क्योंकि सबने घाटा खाया है, कंपनियां बंद पड़ी रही, फैक्ट्रियां बंद पड़ी रही, कामकाज हो नहीं रहा था। तो वो जो बाइंग क्षमता है, वो जो मेरी योग्यता है पैसे देने की, भाई मैं इतना दे सकता हूँ, वो भी तो कम हुआ ही होगा कंपनियों का, तो ऐसे ही बायर्स कम हो गए होंगे। अच्छा मैं एक थोड़ा करेक्शन करना चाहूंगा, मैंने आपको बोला था एविएशन सेक्रेटरी ने स्टेटमेंट दी थी, एविएशन सेक्रेटरी ने दी थी, वो दीपम के सेक्रेटरी ने दी थी, जो डिसइन्वेस्टमेंट जो डिपार्टमेंट है ना, जी हाँ जी, उसके सेक्रेटरी की खबर आई थी आज जो आई थी, तो वो एक मेरे से थोड़ा करेक्शन में करना चाहूंगा। ठीक है, आपने करेक्शन कर दिया, अच्छा किया, लेकिन दोनों खबरों में से कोई भी खुशखबरी नहीं निकली। नहीं खुशखबरी नहीं है, मैं ये इन खबरों को ना मैं बड़ा ही मतलब आई एम नॉट एंथुजियास्टिक, क्योंकि जो चीज एक गड्ढे में जा रही है उसको आप कितना उछालोगे। हिस्टोरिकली अगर आप देखोगे तो इंडिया में जितनी भी कंपनी, आप मुझे एग्जांपल दो कि कौन सी कंपनी है जो कि एक्चुअल में जिनकी वैल्यू खत्म हो गई थी और फिर वो निकल के आई, मतलब मैं मतलब कोई नहीं आप है, नाम सहारा अच्छी खासी चल रही थी, वो बर्बाद हो गई इसी चक्कर में। स्पाइसजेट एक अच्छी कंपनी थी, स्पाइसजेट को निकाला गया, लेकिन अजय सिंह की कहानी आपको और मुझे सबको पता है कि वो कितने इन्फ्लुएंशियल बंदे हैं पॉलिटिकल और बिजनेस सर्कल में, तो और ही वाज कैपेबल आल्सो, और उन्होंने उस एयरलाइन को पहले शुरू भी किया था और बनाया भी था, तो वो जानते थे अंदर तक कि वो एयरलाइन कैसे चल सकती, रिवाइव हो सकती है। तो एक बंदा जो पहले ही जानता है कि एयरलाइन कैसे चल सकती है और दूसरा वो इतना इन्फ्लुएंशियल बंदा है पॉलिटिकल और बिजनेस सर्कल में, तो वो एक अपने आप में एक अचीवमेंट था उनके लिए कि वो दोबारा से एक एयरलाइन को खड़ी कर पाया मजबूती से। वरना एग्जाम्पल ऐसे मिलेंगे ही नहीं आपको, मतलब मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो कलरॉक और ये मुरली लाल जलान जो है, इनके नाम ही नहीं सुने हमने, तो ये जब ये बोलते हैं कि हम एयरलाइन खरीदेंगे, हालांकि इसमें भी अभी इनको फाइनल अप्रूवल मिला नहीं है, फाइनल अप्रूवल इनको भी जो है उससे मिलेगा, एनसीएलटी से मिलेगा, से भी मिला नहीं, मिलेगा। हाँ, इनके प्लान को सही तो दो भी स्टेज 17 महीने बाद तो प्लान बना है, अब एनसीएलटी अप्रूवल देगी, फिर वो लेंगे और लेने के बाद फिर उसका क्या करेंगे, क्योंकि आप कह ही रहे हैं कि उनका कोई तजुर्बा तो दिखता नहीं है एविएशन में, तजुर्बा नहीं है तो बहुत मुश्किल हो जाता है एयरलाइन चलाना। एयरलाइन चलाना इंडिगो का इतना बढ़िया एग्जांपल है, दोनों जो प्रमोटर्स जो थे इंडिगो के, वो उनका पास्ट एक्सपीरियंस रहा है एयरलाइन चलाने का, मतलब उन्होंने बड़ी बड़ी एयरलाइन, मतलब स्पेशली जो राकेश गंगवाल है, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी एयरलाइंस चलाई हैं, उनको पता है कि कैसे एयरलाइन चलती है, तो तभी आज इंडिगो उस मुकाम पर पहुंचा है क्योंकि पीछे जो बैकिंग है जो प्रमोटर्स की है, जो ओनर्स हैं, उनके पास तजुर्बा था, बहुत बार बार के तजुर्बा था। सिमिलर जो जेट एयरवेज के पुराने मालिक थे नरेश गोयल, उनको तजुर्बा था, उन्होंने तजुर्बा था, बहुत छोटे लेवल से काम शुरू किया था, तब जाके उन्होंने एयरलाइन स्टार्ट करी। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मनु जी, आपने वक्त दिया और दोनों खबरें जो एविएशन से जुड़ी आई उनके बारे में अलग अलग बताया कि इसमें अभी तो फिलहाल कोई खुश होने वाली बात नहीं है और कुल मिलाकर भी एविएशन सेक्टर का हाल जो है बहुत अच्छा नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए सर। थैंक यू सर। ये थे मनु कौशिक, एविएशन सेक्टर को दशकों से कवर कर रहे हैं और दोनों ही खबरों को लेकर कुछ खास उत्साहित नहीं दिखे हैं। इसका मतलब है कि जेट और एयर इंडिया दोनों के लिए राह अभी आसान नहीं है। फिलहाल आज के पॉडकास्ट में इतना ही। मेरा नाम है नितिन ठाकुर। आप हमें कुछ कहना लिखना चाहते हो तो radio@aajtak.com पर लिख दें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप आज तक रेडियो सुनते रहिए क्योंकि ऐसे ही नॉलेज से भरे और दिलचस्प पॉडकास्ट्स यहाँ और भी हैं। खबरों की हलचल और देश विदेश का मिजाज, आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो।